तो चलिए नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमडीयू डिस्टेंस क्या है, एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा और प्रोसेस समझिएगा, पूरे तरीके से आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले बता दूँ आपको, यहाँ पर एमडीयू एडमिशन जो आपके रेगुलर के थे वो यहाँ पर ख़त्म होने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी कम से कम कुछ कोर्सों में 3 से 4 दिन का फ़र्क रह गया है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप चाहे तो आप रेगुलर को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस की तरफ से क्या खबर आ रही है कि जैसे ही इनके फार्म ये बंद होंगे, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे फार्म दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे ही ये रेगुलर के फार्म ख़त्म होते हैं यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से ख़त्म होते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने 31 से लास्ट डेट रखी है, यानी कि सभी कोर्स की लास्ट डेट 31 रखी है। तो यहाँ पर आप कोई चांस नहीं है बढ़ाने का, क्योंकि इन्होंने 25 तारीख 8वें महीने में यानी कि लगभग 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं इन फार्मों को निकले हुए। तो बाय द वे अब इनके आगे डेट नहीं बढ़ाई जाएगी और यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप तैयार हो जाइए, एडमिशन आ रहे चाले हैं। तो जैसे आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो काफ़ी प्रोसेस होते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर काफ़ी सारे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि कम से कम टाइम में ये जल्दी से जल्दी भरे जाएंगे। अदरवाइज़ इनकी फ़ीस जो है वो काफ़ी बढ़ के आ सकती है। आपको बता दूं इनकी जो फीस है वो लगभग 10% या फिर 5% बढ़ के ही आने वाली है इस ईयर आपको। और इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो हमेशा आप अपने डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है आपको कापी किताब लेने के लिए उन फार्मों की ज़रूरत पड़े, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि आपका जो एडमिशन फॉर्म है डिस्टेंस का वो लगभग 10 से 15 एक हफ्ते के बीच में निकल ही आएगा। ये मान लीजिए एक हफ्ते के बीच बीच में जैसे ही यहाँ पर ये एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसी समय ये फार्म निकाल दिए जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं डिस्टेंस के एग्ज़ाम एडमिशन, तो बहुत ही जल्दी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल पहले डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया, अगर आपकी 12th की मार्कशीट नहीं आई है तो जल्दी से जल्दी मंगा लीजिए, अदरवाइज़ आपकी 12th की मार्कशीट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी आया है एडमिट तो आपके रोल नंबर से भी चल जाएगा काम, क्योंकि आपके रोल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी ही जानकारी देना था और इस वीडियो में, और डिस्टेंस के एडमिशन जल्दी ही होने वाले हैं, जैसे ही नोटिस आता है तो मैं आपको तुरंत के तुरंत आपको भेज दूंगा। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।